गुड मॉर्निंग बच्चों, वंदे मातरम। अपन जो पाठ पढ़ रहे थे, तीसरा पाठ, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा, पार्ट दो, अध्याय दो, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा है, उसमें प्रकरण है हम मानक समय क्यों अपनाते, यानी विश्व का समय निश्चित करने के लिए जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है जिसका मान है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री, उसका नाम रखा गया ग्रीनविच रेखा। और वो रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है, इस वजह से उस रेखा का क्या नाम रखा गया, ग्रीनविच रेखा। उत्तर ध्रुव या उत्तर, और यह है दक्षिण ध्रुव, इसका मान है 0 डिग्री। यानी पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो समय घटता है। जब अलग अलग देशों में देशांतर और अक्षांश रेखाओं की अक्षांश जो मान है वो अलग अलग है तो वहां पर समय भी अलग अलग ही होगा। पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो जब अपने पूर्व की तरफ रात होगी तो पश्चिम की तरफ दिन होगा, पश्चिम की तरफ दिन होगा तो पूर्व की तरफ रात होगी। तो इस वजह से अलग अलग देशों का समय निर्धारित करने के लिए एक मानक समय माना गया है। अलग अलग याम्यूता पर स्थित स्थानों, यानी अलग 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 याम्योतर, यानी देशांतर रेखाएं याम्योतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान स्थानीय समय में अंतर होता है, अंतर होता है। क्यों होता है कि सबसे पहले मानो आप अरुणाचल प्रदेश है, अपना पश्चिम की तरफ गुजरात है, सबसे पहले अपने भारत में सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में अस्त होता है गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा तो वहां पर उजाला जल्दी होगा, सबसे बाद में अस्त गुजरात की तरफ होगा तो वहां पर प्रकाश लेट तक रहेगा और अरुणाचल प्रदेश में जल्दी अंधेरा होगा। तो इस वजह से समय में अंतर है। तो इस अंतर को ठीक करने के लिए भारत में, उदाहरण देखो आप, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी भी याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यानी क्या होता है कि
इस समय को निश्चित करने के लिए यह अपनाया गया कि किसी भी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी याम्योतर रेखा को स्थानीय समय याम्योतर रेखा को मानकर स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो यही बात भारत में भी मानक समय अपनाया गया। भारत के समय को निश्चित करने के लिए भारत में निश्चित रेखा मानकर यानी याम्योतर या देशांतरी रेखा मानकर समय निर्धारित किया गया और इस रेखा को माना गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये कहां से गुजरती है? ये इलाहाबाद के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास से गुजरती है। यानी भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया। 82.5 यानी 82.30 डिग्री इस रेखा से निर्धारित किया गया। तो मानो आप कि जब इंग्लैंड में कोई क्रिकेट मैच है, इंग्लैंड में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच यानी इंग्लैंड में जो क्रिकेट मैच हो रहा है भारत और इंग्लैंड के मध्य, उदाहरण मानो, उदाहरण भारत और इंग्लैंड के मध्य क्रिकेट मैच खेला जाएगा कहां पर? स्थान इंग्लैंड, समय इंग्लैंड के समय के अनुसार दोपहर दो बजे अपराह्न, यानी दोपहर के 2 बजे। तो भाई भारत के समय के अनुसार वो मैच कितने बजे स्टार्ट होगा? अर्थात भारत के समय के अनुसार यानी इंग्लैंड में दोपहर के 2 बजे वो मैच स्टार्ट होगा। तो भारत में जब कितने बजे होंगे? तो उस समय भारत में 7:30 बजे साय का समय होगा। यानी शाम का समय होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत ग्रीनविच के
पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत की स्थिति का है 82.5 डिग्री पूर्व में, और यहां का समय, भारत का समय यानी अपने देश का समय, यहां का समय 5.5 घंटा तीस मिनट आगे। जब 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से, इंग्लैंड में 2 बजे हैं, तो भारत में कितने होंगे? इंग्लैंड के दोपहर के 2 बजे। भारत का समय है 5.5 घंटे आगे, 5 घंटे 30 मिनट, 2 में ये और जोड़ दो, 5 और 2 7, और ये 30 मिनट, यानी 2 बजे से 7 घंटे और जोड़ते हैं तो समय आता है 7:30। 7:30 का समय भारत में हो जाएगा। एक उदाहरण ये लो कि मान लो इंग्लैंड में सुबह के 6 बज रहे हैं। इंग्लैंड में कितने बज रहे हैं? सुबह के छह बजे है, तो उस समय भारत में क्या समय होगा? अरे भाई 6 बजे से 5, 5.5 घंटे और आगे जोड़ दो, 6 बजे के बाद में 5.5 घंटे और आगे जोड़ दो, तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 11:30, यानी उस समय भारत में 11:30 यानी 11:30 होगी। अब ये मानो कि भारत में जब 11:30 है तो उस समय इंग्लैंड में कितना समय होगा? उस समय इंग्लैंड में होंगे 6:00। यहां तक आपको याद करना है, इसको नोट्स की कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।